हेलो स्टूडेंट, आप लोगों की आज रिवीजन क्लास है फर्स्ट यूनिट की। टॉपिक का थोड़ा सा रिवीजन करवा रही हूँ। आप लोग बर्फुल्ला के छात्र हैं। सब्जेक्ट का नाम है अपना इनफॉर, क्या नाम है सब्जेक्ट का? इनफॉर्मेशन ऑफ आईटी। आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो बस कुछ बच्चों ने डिवाइड की थी। मैडम रिपीट कर दीजिए, एप्लीकेशन है टाइप्स ऑफ कम तीन कम क्लासिफिकेशन के आधार पर कंप्यूटर को तीन भाग में बांटा है। तीन भाग इसके क्या होते हैं? एप्लीकेशन के आधार पर, दूसरा पर्पोज के आधार पर, तीसरा साइज के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर हम कंप्यूटर को कितने भाग में बांटते हैं? तीन भाग में। जैसे तीन भाग कौन कौन से होते हैं? एप्लीकेशन के आधार, एप्लीकेशन सामान्यता के आधार पर कंप्यूटर तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें कि तरीका दाब टेम्परेचर आदि को मापने के लिए यूज किया जाता है, इसे एनालॉग कहते हैं। इसका यूज विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूज किया जाता है, इसे एनालॉग कहते हैं। सिंपल परिभाषा। दूसरा डिजिटल, डिजिटल क्या होता है? जिसका जो अपन पढ़ चुके सिर्फ समझ रहे हैं, सिर्फ ऑलरेडी लिया। डिजिटल क्या होता है? जो जिसमें डिजिटल क्या होते हैं? जैसा कि अंकों कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, इसे डिजिटल। इसका यूज हॉस्पिटल के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे कि एक ISP प्रोवाइडर है, वो सर्विस तब देगा जब तक दोनों का कनेक्शन नहीं मिल जाता। अगर नंबर जैसे डायल हुआ, कम्युनिकेशन मिला, उसकी सर्विस समाप्त, तो अंक क्या जाएंगे? कैरेक्टर में, फिर डिजिटल। इसका यूज हॉस्पिटल के क्षेत्र। फिर से रिपीट करोगे, एनालॉग क्या होते हैं? जिसका यूज शरीर, एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो शरीर का ताप, दाब, टेम्परेचर आदि को मापने के लिए यूज किया जाता है, एनालॉग कहलाता है। इसका यूज विज्ञान क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा डिजिटल, डिजिटल क्या होता है? जिसमें अंकों को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का या अक्षरों को बदलने में कार्य करता है, कैरेक्टर को अंक में बदलने का कार्य करते हैं, इसे डिजिटल कहते हैं। यानी क्या है इसमें? एक फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका इसमें हम ले सकते हैं, एक ISP प्रोवाइडर है जो नंबर को डायल करेगा। जैसे ही नंबर डायल हुआ, कम्युनिकेशन शुरू हुआ, उसके सर्विस समाप्त, उपभोक्ता के लिए, तो यहाँ कम्युनिकेशन शुरू हुआ था, तो यानी सर्विस समाप्त, यानी अंकों को क्या कर दिया? कैरेक्टर में कन्वर्ट कर, अक्षर वार्तालाप हुआ था, इसे हम डिजिटल। अगर अंक क्या था? कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ, इसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल। इसका यूज हमने क्या करा है? डिजिटल किया, यानी यह क्या करा है? एनालॉग, ये सारी किताब दाम नामने के लिए यूज किया जाता है, एनालॉग कहते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में यूज किया जाता है। डिजिटल क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो कि अंकों को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, डिजिटल कहते हैं। और इसका यूज हॉस्पिटल के। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर कहलाते हैं जो कि जिसमें एनालॉग डिजिटल दोनों कोड समाहित हो, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अन्य शब्दों में कहते हैं, एनालॉग डिजिटल दोनों कोड समाहित हो, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। यदि अन्य शब्दों में परिभाषित करें तो एक कार्बन परमाणु क्या है यहाँ? एक कार्बन परमाणु को ही हाइड्रोजन परमाणु क्या है? जुड़ा हुआ है, यानी एक रिंग के रूप में। कैसे? रिंग के रूप में, इस तरीके से रिंग के रूप में जुड़ा हुआ है, यानी ऑर्बिटल में हाइब्रिड। इसका यूज मिसाइल बनाने के क्षेत्र में यूज किया जाता है। समझ में आया स्टूडेंट? नोट कर ले। नेक्स्ट है पर्पोज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? पर्पोज के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः छोटी छोटी से अपन परिभाषा रिवीजन कर रहे हैं। पर्पोज के आधार पर कंप्यूटर कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस, जनरल पर्पस कंप्यूटर, और दूसरा होता है हमारा स्पेशल, स्पेशल पर्पस परिस्थितियों में कार्य करें, इसमें एक से अधिक CPU लगे होते हैं। इनके कार्य करने के तरीके किसके
फॉर एग्जाम्पल के लिए करते हैं हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर जो अपने हार्डवेयर से रिलेटेड कार्यों को यानी कोई जनरल नहीं कर सकता, विशेष परिस्थितियों में एक हार्डवेयर इंजीनियर आता है उसको कार्य, जैसे हार्डवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर को सुधरवाना या फिर हार्डवेयर हार्डवेयर से पार्ट से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का यूज किया जाता है, इसे स्पेशल कहते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट जिसको हमने जाना है जनरल यानी तीसरा हम कंप्यूटर का टाइप जानेंगे साइज क्या है। साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मैन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, नेक्स्ट होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। थोड़ी थोड़ी सी अपन डेफिनेशन जान लेते हैं कि माइक्रो नाम से समझे तो आकार में छोटे होते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता। इनका आविष्कार 1970 से लेके 1971 आ गई थी। ये एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना ले जाया जा सकता है। ये ब्रिफ के सूट के क्या आकार करते हैं, इसका जो घर बाहर स्कूल कॉलेज में यूज किया जाता है, इसकी कीमत 70 के समथिंग से खरीदना आसान है, उसके कार्य करने की क्षमता मिनिमम वर्क स्टेशन से कम होती है, माइक्रो बिल बनाने ऑपरेटर संबंधी ब्यौरा रखने आदि के लिए यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर। इनके कार्य करने की गति क्या होती है, माइक्रो के सापेक्ष कम से देख होती है, इसे मिनी कहते हैं। मैन फ्रेम क्या होते हैं, जो माइक्रो मिनी के सापेक्ष बड़े होते हैं, कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, इसमें 1 से 50 यूजर कार्य कर सकते हैं, इसमें एक साथ सीपीयू लगे होते हैं, इसमें 50 यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं, इसे मैन फ्रेम। इसका जो बड़े बड़े कंपनी में ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो जटिल से जटिल इनमें माइक्रो और मिनी के सापेक्ष में कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसका यूज रेलवे डिपार्टमेंट में टिकट संपादन क्षेत्र में यानी टिकट विभाग में इसका यूज किया जाता है। इसे वर्क स्टेशन इसके कार्य करने के लिए तो जटिल से जटिल कार्य को करने के लिए यूज किया जाता है, इसे वर्क स्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी कीमत अरबों में होती है, इसका दूसरा नाम बड़ा कंप्यूटर होता है, क्योंकि इसको एक स्थान दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर इसमें सैकड़ों दिया है, इसमें क्या क्या दिया जाता है, सारे कंप्यूटरों को कार्य से जोड़ दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया, सैकड़ों दिया एक साथ कार्य कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर में। ठीक, और इसमें हम एक स्थान दूसरे स्थान ले जाया नहीं सकते, इसकी कीमत अरबों में होती है, और इसका दूसरा नाम बड़ा कंप्यूटर है, और इसमें इसका यूज मुख्य इसकी विशेषता क्या है, इसका यदि इसकी विशेषता लिखें इसका यूज है, इसमें सैकड़ों के साथ कार्य कर सकते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इसका नाम परम कंप्यूटर है, इसकी कीमत डॉलरों में होती है, और समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, सैकड़ों के एक साथ इस पर कार्य करते हैं। इसका यूज मुख्यतः अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए, समुद्र विज्ञान में, समुद्र क्षेत्र में, फिल्म संपादन में, उपग्रह के क्षेत्र में, सबसे पहले तो अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए, दूसरा फिल्म संपादन में समुद्र विज्ञान में, उपग्रह में, सबसे पहला अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए, दूसरा समुद्र विज्ञान में, फिल्म संपादन में और निर्देशन संबंधी कार्यों में, यानी सबसे पहला अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए, दूसरा फिल्म संपादन में, समुद्र विज्ञान में आदि के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है, इसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये आकार बहुत बड़े होते हैं, इसमें सैकड़ों के एक साथ कार्य कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही काफी है, थैंक यू स्टूडेंट्स।